Hello everyone, this is Dikshant Pilania. It's been almost 2 years since I have completed my 12th and I have realized that it is better to give yourself a good amount of time to know what you're meant for. Because it is not just choosing a career option, right? This will decide what the rest of your life will look like. Today, we have with us Brigadier Jay Shekhawat sir, got an award from the President of India for his bravery. Broken Guinness World Record. We just can't talk enough about his achievements. A person full of positivity, enthusiasm, a nature lover, and much more. Thank you. बचपन मेरा जन्म राजस्थान में एक छोटा गांव है, रॉयल नाम का गांव, खंडेला तहसील में, सीकर डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म वहाँ हुआ। वहीं से बिलोंग करते हैं और एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था। और हमारा परिवार शुरू से बहुत मेहनती था, मेरे सारे फादर और अंकल लोग। एंड मैं खुद अगर मेरी बात करूं तो जैसा कि सब बच्चों का स्वभाव होता है, थोड़ा नोटी तो जरूर थे, क्योंकि अगर आपका शरारतीपन नहीं है तो आप कई चीज़ें नहीं कर पाते हैं, सीख नहीं पाते आगे वाले ज़िंदगी में। तो दैट नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम नोटीपन के साथ साथ सिंसियरिटी भी बहुत ज़रूरी है। एक वक्त होता है जब आप खेलो भी, शैतानी भी करो, पर शैतानी उतनी करो जितना कि एक सीमा में, ज़्यादा हाँ जितनी अच्छी लगे। कोई भी चीज़ की अति, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी चीज़ की अति, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो उस हिसाब से मेरा जो जीवन का संतुलन बड़ा अच्छा रहा, शैतानी के साथ साथ सिंसियरिटी भी रही, और अच्छे मार्गदर्शन, अच्छे स्वभाव और अच्छे संस्कार कारण बचपन में अच्छे स्टूडेंट कहलाए। तो आप पढ़ाई कहाँ से की? मैंने शुरू में जो फर्स्ट और सेकंड गांव से की, और फिर फादर ने एक नया हॉस्टल खोला था अजमेर में, फादर के दोस्त थे जो कि सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कराते थे, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा एक हमें दीजिए, हम तैयारी कराएंगे। सो मुझे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में अजमेर भेज दिया गया। वहाँ हम एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, और इसके साथ साथ हमने सैनिक स्कूल में एडमिशन की तैयारी करवाते थे, हमने वो तैयारी की, और आई गॉट सेलेक्टेड इन 1975। एंड सिक्स्थ क्लास में मैं सैनिक चित्तौड़गढ़ में 1975 में मेरा दाखिला हो गया था। मिलिट्री स्कूल का नहीं सोचा? मिलिट्री स्कूल में मेरा हो गया था, पर मैंने पूछा जो आसपास जो जानकार लोग थे, उन्होंने बोला कि दोनों स्कूल सेम है, जो सजेस्ट किया सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल चला गया। तो सैनिक स्कूल में मेरी सारी स्कूलिंग वहाँ पर हुई। सैनिक स्कूल में तो फिर आप 12th के बाद ही वापस आए? हाँ, सैनिक स्कूल में पूरी स्कूलिंग करके फिर आए। फिर उसमें जो एजुकेशन का ढांचा था वो था 10+2+2। तो मैंने फिर डूंगर कॉलेज बीकानेर से मेरी कॉलेज शिक्षा की, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहीं सेटल थे। सो मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से की, आर्ट्स में की। आर्ट्स इसलिए लिया क्योंकि मैं शुरू से ही एडवेंचरस और मतलब कि स्पोर्ट्स पर्सन था, और मैं साइंस से कॉप अप नहीं कर सकता था। तो मेरा ये शौक़ भी चालू रहा और मेरी पढ़ाई भी चालू रही, और मैंने ग्रेजुएशन में कॉलेज भी टॉप किया, और साथ साथ काफ़ी मतलब कि नेशनल टूर्नामेंट्स में मेरे खेलने का मौका मिला। बिकॉज आई वॉज गुड इन फुटबॉल, स्कूल से ही था, क्योंकि मेरे आप ये कह सकते हैं कि ब्लड में ही फुटबॉल थी, क्योंकि मेरे जो मामा जी हैं वो इंडिया टीम कैप्टन हैं, और अर्जुन अवार्ड मिला उनको, और हमारी फैमिली के हम 5-7 मेंबर राजस्थान टीम में खेलते थे बिकॉज ऑफ आर गुड गेम एंड ऑल। सो वो ब्लड में आया। और कब मैंने किसी कोई ऐसा फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, कोचिंग नहीं ली, अपने आप ही बस स्कूल डे से अपने आप ही खेलते गए, और अच्छा खेल रहा, और सभी ने अच्छी तारीफ़ की, और बाद में काफ़ी यानी ऑल इंडिया पब्लिक स्कूल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, मेयो कॉलेज, मेयो कप बोलते हैं।
फिर इंडियन यूनिवर्सिटी में, और उसमें भी अच्छे रिजल्ट से वेस्टर्न जोन में हमारी यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है वेस्टर्न जोन में हम फर्स्ट होके एंड वी वेंट फॉर इंटर जोन इन लुधियाना। और इसके साथ साथ सब जूनियर नेशनल टीम में राजस्थान को प्रतिनिधित्व किया, जूनियर नेशनल में राजस्थान टीम से खेले, सीनियर नेशनल संतोष ट्रॉफी से खेले, और डूरन DCM और तमाम सारे जो ऑलमोस्ट 80% टूर्नामेंट जो हाँ ये इंडिया के हैं करीब करीब मैं खेल लिया था जब तक मैंने ग्रेजुएशन कर ली। और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन में भी सोचा हुआ था कि आप CDS का एग्जाम देंगे या फिर वो अपने आप हुई थी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल में हुई, तो सैनिक स्कूल में जो एडमिशन और आगे तैयारी वो आर्मी और डिफेंस के लिए ही कराते हैं। सो बचपन से रूटीन ही ऐसा बन गया था और डिसिप्लिन बिल्कुल, सुबह से ही फिजिकल ट्रेनिंग, फिर ड्रिल, देन क्लासेस, देन अगेन स्पोर्ट्स। सो इट वाज ऑलमोस्ट द सेम रूटीन विच वी फॉलो इन आर्मी। सो दैट वे आई वाज लकी दैट मेरी जो बेस था, मेरा बेस और मेरी थॉट प्रोसेस था वो आर्मी टाइप ही था, आर्मी लाइक ही था, एंड आउटडोर टाइप रहा हूँ मैं। सो मैं ऑलवेज आर्मी में जाना चाह रहा था, पर NDA में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मैंने CDS एग्ज़ाम दिया और CDS एग्ज़ाम के थ्रू मैं क्वालिफाई करके और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में 1986 में मेरा दाखिला हुआ। तो IMA की जर्नी बहुत अच्छी रही। मेरे IMA पहुँचने से पहले ही जो NDA से मेरे क्लास फेलो चले गए थे, उन्होंने मेरी रिपोर्टेशन पहले ही पहुँचा दी थी कि अभी इस बार जो है बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर आ रहा है, और आपको पता है कि अकेडमीज में और आर्मी में स्पोर्ट्स का काफ़ी महत्व है, तो यू नो इट रेपुटेशन ऑलरेडी रीच्ड बिफोर आई रीच्ड एंड पीपल स्टार्ट लाइकिंग माई गेम, एंड आई वॉज वेरी फेमस विद इन अ मंथ। आई वॉज नोन इन अकेडमी फॉर माई गेम एंड माई आउटडोर एक्टिविटीज इक्वली। आई वॉज गुड इन बास्केटबॉल, हॉकी, क्रॉस कंट्री, एवरीथिंग आई वॉज गुड। सो आई वॉज लाइक बाई एवरी वन। या तो जो लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनको याद करते हैं, या जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं उनको याद करते हैं, या फिर बहुत शैतान होते हैं उनको याद करते हैं। सो मैं स्पोर्ट्स का ठीक आदमी रहा हूँ। सर, जो आपने बताया कि आपने हमेशा से फुटबॉल खेला, काफ़ी स्पोर्ट्स खेले, तो इसका आर्मी में आपको कितना बेनिफिट तो मिलता ही है? अगर आप मतलब आपकी कोर स्ट्रांग है इंटरनली, तो आपको आर्मी में बेनिफिट मिलेगा। अगर आप किसी हायर एल्टीट्यूड पर जाते हो तो भी आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट रहता है, तो आपको लगता है कि फुटबॉल ने आपको बहुत हेल्प किया होगा? नॉट ओनली फुटबॉल, बेसिकली आई वॉज वेरी टफ फिजिकली, आई वॉज वेरी टफ। मैं मतलब कि बहुत टफ था मैं, एंड इसके मैं उदाहरण आगे बताऊँगा कि जो बॉडी की जो संरचना जिसको बोलते हैं वो इस प्रकार हुई कि जैसे आजकल के बच्चे फास्ट फूड खाते हैं और खाते हैं, हमारे टाइम ऐसा था नहीं, एंड अच्छा था नहीं था, तो हम दूध, दही, घी मेहनत करते थे। मेहनत करने के बाद में आप जो अपना खान पान पर ध्यान देते थे, पेरेंट्स इसको हमें बताते थे, इसके फ़ायदे बताते, तो हमारी बॉडी की जो फिजिक बनी है वो बचपन की बेस से बनी है, दैट्स वाई यू आर फिजिकली स्ट्रांग। उसके बाद में फिर खेल के कारण आपकी बॉडी में एजिलिटी आई, माइंड एंड बॉडी का जो एक साथ सोचने का रिएक्शन एंड रिएक्शन का जो तरीका वो उससे आया। तो ऐसे करने से स्पोर्ट्स से क्या होता है कि आपको बॉडी की जो बैलेंसिंग और आपका जो रिएक्शन है, आपकी जो एजिलिटी और आपका जो फुर्तीलापन है वो काफ़ी सही हो जाता है, और आपका माइंड भी बॉडी के अनुसार काम करता है। सो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अ फेमस सेइंग दैट हेल्दी माइंड स्टेज इन हेल्दी बॉडी। सो उसी हिसाब से हुआ, तो स्पोर्ट्स ने मुझे इतना हेल्प किया, एक तो आपकी इमेज बनी, आपका नाम बना, और उसके कारण नॉट ओनली IMA, मैं जब बटालियन में गया, मैं फर्स्ट कमीशन ऑफिसर रहा हूँ मेरी बटालियन का, 21 जाट का, उसमें मैं कमीशन हुआ हूँ, तो मैं पहला अधिकारी था जो रेजिंग में ओरिजिनली मैं अकेडमी से वहाँ गया, इट इज़ ऑल्सो अ रिकॉर्ड। तो वहाँ पे जब हमने नई कोई भी घर बसाते हैं, कोई भी यूनिट या कोई भी चीज़ को हम खड़ा करते हैं, उसको उसकी बुनियाद बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो वो लकी था मैं भी और बटालियन में कि मेरे साहब सर वहाँ गया, और मैंने सभी यूनिट्स में जो खेल कूद की टीमें हैं, कोई भी स्पोर्ट टीम है, सब में मैंने हिस्सा लिया और उनको सबको इकट्ठा हम ट्रेनिंग ली, और अच्छे एक उससे, क्योंकि खेल भावना से भी आपका काफ़ी सारी चीज़ें, क्रिएटिविटी आती है, कोऑपरेशन आता है, सहयोग बढ़ता है, आपसी मिलजोल बढ़ता है, हेल्पिंग एटीट्यूड होता है स्पोर्ट्स ग्राउंड में। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम सब ने एक जवान से लेकर अफसर में मिलकर हमने काम किया, और इस प्रकार से एक माहौल बना, और जब माहौल बन जाता है
आप यू गिव ए गुड एटमोसफियर तो बटालियन हमेशा एक अच्छी चलती है और बुनियाद अच्छी बनती है। तो वेदर इट इज़ ए स्टूडेंट, आपका एकेडमिक माहौल हो या स्पोर्ट्स माहौल हो, बच्चा आगे बढ़ जाता है। सो माहौल को हमने अगर बनाया तो बटालियन का नाम हमेशा ही बटालियन अच्छा काम करती है। कमांडो इन्फेंट्री ऑफिसर्स के लिए कमांडो कोर्स जो बेलगाम में होता है, बड़ा इट इज़ ए कंपल्सरी कोर्स, कंपल्सरी इन्फेंट्री ऑफिसर्स के लिए कंपल्सरी, एवरीबडी हैज़ टू डू दैट कमांडो कोर्स। एंड उसमें अगेन ड्यू टू माय फिजिकल फिटनेस एंड वो कोर्स में मैं बहुत ही अच्छा किया मैंने, ऑलमोस्ट आई टॉप दैट कोर्स एंड आई गॉट द बेस्ट ग्रेडिंग दैट इज़ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर। एंड उसमें फिर उस इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग में क्या होता है कि आपको दे पोस्ट यू एज ए इंस्ट्रक्टर आफ्टर यू डन अ कोर्स। सो राइटफुली आई वॉज पोस्ट एज ए इंस्टेंट कमांडो इन बेलगाम फॉर 2 years एंड आई वॉज यू नो इंस्ट्रूमेंटल इन पार्टिंग गुड ट्रेनिंग द कमांडोज एंड इट वॉज इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन एंटायर वर्ल्ड आर्मीज, सो मे बी सेकेंड थर्ड टफेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड आर्मीज, बट मज़ा काफ़ी आया। यानी वहाँ ये पता चला कि आपकी बॉडी में इतनी क्षमता है, इट कैन टेक सो मच दैट आप कभी सोच भी सकते हो। आप एक बार एग्जांपल दे सकते हो क्या प्रेशर होता है, क्या एक्सरसाइज? उस कोर्स में 35 दिन का कोर्स होता है, पर 35 दिन के कोर्स में एवरी डे आई थिंक यू नीड टू यू नो डू द ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 18 आवर्स एवरी डे इधर यू आर ऑन नाइट मार्चेस raids, various targets we are going across the enemy lines, not in really but in a practice mode, and either you are walking, running, or you are sitting in a indoor classes where you learn many things about the commando, how do commando operate, how do do what are the qualities of commando, and not only that, explosives, you must have the knowledge of explosives where you need to go and you know target the areas, unko target ko barbaad karna hai, वो सब चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। और काफ़ी सारी एक्टिविटीज होती है, स्नेक हैंडलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, देन कॉन्फिडेंस जंप, देन अनआर्म कॉम्बैट, देन योर एंड्योरेंस मार्चेस, इट गोज़ फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर्स विद द वेट ऑफ अबाउट 28 kgs इंक्लूडिंग, यस 28 kgs इंक्लूडिंग योर पैक्स एंड योर राइफल एंड योर इक्विपमेंट। सो यू नो वो उसमें जो एक इकट्ठे हम करते हैं काम, और एक सबको अपने बडीज़ को यानी अपने साथियों को साथ लेके चलना है, ऐसे नहीं कि आप आगे सब जगह खड़े हो गए, आपको साथ लेके चलना होता है, पीछे वाला सबको हौसला रखते हुए यू हैव टू फिनिश दैट इन अ टीम, सो दैट एवरीबडी इज़ विथ यू एंड एवरीबडी इज़ यू नो लड़ाई में भी सबको साथ चलना होगा, आप अकेले लड़ाई नहीं सकते। सो इस हिसाब से वो भावना पैदा होती है एंड आपको अपनी बॉडी की क्षमता क्या पता चलता है। अगर आज आपको मैं बोलूं कि आप 40 किलोमीटर इतने वेट लेके आप चलिए, वो भी एक टाइम फ्रेम में, ऐसे नहीं कि रात भर चल रहे हैं, सो उसमें आपको आप मतलब कि विश्वास नहीं कर पाएंगे मैं चल सकता हूँ, आप चलेंगे ही नहीं। हाँ, इट इज़ बेसिकली योर विल पावर, इट इज़ योर यू नो दो सहन करने की शक्ति का वहाँ पता चलता है कि हाउ मच यू कैन डू, हाउ मच यू कैन टेक यू नो पेन्स एंड हाउ मच यू कैन बॉडी को आप कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, दैट इज़ अ थिंग। सो मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। आज भी मुझे कोई बोले दो नाउ आई एम यू नो नॉट दैट मच फिट, बट इफ़ समबडी सेज कि ओके 40 मिनट चलना है, पैदल चलना है, चलो, सो बिकॉज आई हैव डन दैट, इसलिए अगर नॉर्मल आदमी बोलोगे तो नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा। सो ये हाँ, मैं वहाँ से फिर कमांडो ट्रेनिंग सब 2 साल कराने के बाद फिर सिंस मैं खुद ही इंस्ट्रक्टर था, सो आई टू बी बेटर देन द स्टूडेंट्स, सो हमारी मेरी पोस्टिंग आई कश्मीर में, दैट इज़ आपको पता ही है वहाँ जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहे हैं काफ़ी सालों से कश्मीर में। आई वॉज इन बड़गांव डिस्ट्रिक्ट, सो दैट टाइम आई वॉज कंपनी कमांडर एंड वहाँ पे 97 में आई वॉज पोस्टेड एंड हालत थोड़ी ठीक हुई थी बट इतनी भी ठीक नहीं हुई थी, काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन था, काफ़ी टेररिज्म था, काफ़ी लोग परेशान थे वहाँ पे कि
इसलिए आर्मी वहाँ पे लगा रखी थी। तो वहाँ पे सिंस आई वाज फिजिकली फिट, आई वाज स्पोर्ट्समैन, सो मैं ऑलमोस्ट अगेन वही मेरा रूटीन रहा, मैं ऑलमोस्ट 24 घंटे में 18 घंटे बाहर ही रहता था, मैं मेरे पोस्ट पे मेरे कमरे में रहता था। बिकॉज आई बिलीव कि जितना आप घूमोगे उतना ही आप सीखोगे, जितना आप लोगों से मिलोगे उतने लोग आप में विश्वास करेंगे। बिकॉज वहाँ एरिया है कि गांव में एरिया में पॉपुलेशन से मिलना, आपको पॉपुलेशन अगर आपके साथ है, आप अपना अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से, अच्छे आपके प्रेजेंस से, बातचीत से, उनको आप कैसे आप ट्रीट करते हो, अगर वो आपके साथ कनेक्टेड है तो आपको सपोर्ट करेंगे, और वो साथ टेररिस्ट के साथ कनेक्टेड है तो उनको सपोर्ट। सो यू हैव टू यू नो विन ओवर देयर हार्ट एंड माइंड्स बाय योर एक्शंस। यू कैन नॉट डील एवरीथिंग एवरी डिजिटल, नो, पीपल आर वेरी गुड देयर, आई बीन going to their houses, I have been eating food also, and I have been going to their marriages also. People are very good, but वही है, हर समाज में हर जगह आपको मतलब कैसे लोग मिलेंगे। मतलब एवरीबडी यू कैन नॉट सी एवरीबडी टेररिस्ट, सो यू हैव टू व्हाट यू सेड इज वेरी ट्रू, बिकॉज आप जब तक उन पर अपना विश्वास पैदा नहीं करेंगे, ठीक है ना, और आपके एक्शंस दिखाए थे आप क्या कर रहे हो, बिकॉज यू आर इन ओपन डोमेन, आप खुले में हो, आप गांव में घूम रहे हो, पॉपुलेशन बीच में हो, यू आर नॉट इन अ कंटोनमेंट एरिया, सो आप हर दिन आप यू आर गोइंग फॉर एरिया डोमिनेशन पेट्रोल्स, यू आर गोइंग फॉर एम्बुशेज, यू आर गोइंग फॉर अदर एक्टिविटीज ऑल्सो, तो यू आर विजिबल टू द पब्लिक एंड पब्लिक नोज कि भाई हमारे लिए कौन कर रहा है। सर आई हैड अ वेरी गुड रेपुटेशन दैट एरिया बिकॉज ऑफ माई गुड एटीट्यूड, बिकॉज आई बिलीव दैट आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड मी, आई डोंट थिंक नेगेटिव एंड आई डोंट डू एनीथिंग नेगेटिव, आई ऑलवेज हेल्प पीपल एंड दे डेवलप लॉट ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन मी, दैट्स व्हाई आई वाज सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग वेरियस टेररिस्ट्स। सर ये ऑप्टिमिस्टिक नेचर कहाँ से है? ये मैं तो मेरे पेरेंट्स के लिए बोलूँगा, क्योंकि मेरी मदर जो है शी इज टोटली इन टू दिस एंड शी ऑलवेज सेज कि बेटा हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है, हमें किसी से भेदभाव नहीं रखना है, हमें अपना काम अच्छा करना है, आपको कोई बुरा भी बोले तो आप उसको बुरा मत बोलो, आपके लिए कोई बुरा करे तो उसका बुरा मत करो, एक अच्छा बैलेंस एटीट्यूड लेके चलना है, नहीं तो आपने भी उसने भी कुछ दो शब्द बुरे गए, आपने भी चार शब्द बुरे बोल दिए, तो फिर आप भी उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा, आप भी उसी टाइप के हो गए। सो वॉट यू आर यू मस्ट डू वॉट यू आर, डोंट चेंज योर बिहेवियर एटीट्यूड एंड लैंग्वेज बाई सीइंग अदर्स, यू बी ओरिजिनल वॉट यू आर। सो ये ओरिजिनलिटी एक ब्लड में ही थी, और प्लस मेरे जीवन में एक ऐसा रहा है कि जो भी मेरे टच में आया या तो वो मेरे नेचर में डल गया है, और जो उसमें नहीं डला है और कोई थोड़ा बहुत ही उसमें कमियाँ रही है तो अपने आप ही मेरे से दूर हो जाता है, दिस इज नेचुरल। आई एम थैंकफुल टू द गॉड कि ऐसे लोग मेरे से नज़दीक नहीं है जो नेगेटिव है, जो हर चीज़ में नेगेटिव बात भी करेंगे, नेगेटिव करेंगे, सोच भी उनकी ऐसी होगी और कोई प्रोग्रेसिव चीज़ नहीं सोचेंगे, तो मुझे वो चीज़ वो लोग अच्छे लगते हैं। और मैं सबको ही बोलता हूँ कि आप अपने रास्ते पे सही दिशा में चलो, बिल्कुल सही, आपकी सफलता आपको अपने आप मिलेगी, दे नो नीड टू लुक लेफ्ट राइट, अपना काम कीजिए और सबको अपना समझो। मैनिफेस्टेशन करते हो आप? आई डू समटाइम, बट नॉट ऑलवेज, सो यू कैन एलोबरेट ऑन दिस। सर मतलब मैनिफेस्टेशन का मतलब कि जैसे अभी मुझे है कि मेरे 1,00,000 फॉलोअर्स होने चाहिए यूट्यूब पे जिस दिन मैं ये वीडियो डालता हूँ, तो ऐसे मतलब मेरा एक एम हो गया जो कि मेरे को अचीव करना है। तो अभी बहुत ऐसे थ्योरी चलती है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो, जो चीज़ के बारे में आप बार बार सोचते रहते हो वो अपने आप आपके पास आ जाती है। नो इट इज़ आपने पढ़ा भी होगा कि मतलब कि जो आप सोचते हैं वो आपको मिलती है, इट इज़ फेमस सेइंग, यू नो। सो मेरे जीवन में भी ये रहा है कि अगर मैंने कोई चीज़ का सोचा है तो देर सवेरे वो मुझे मिलता है, एंड ये मिलने का तरीका ही नहीं कि बैठे बैठे मिलता है, इट इज़ यू हैव टू यू नो वर्क टूवर्ड्स दैट टू अचीव दैट। सो कोई भी चीज़ का आप अगर आप सोचेंगे मुझे ये चीज़ इसमें चीज़ में हाथ डालना है और मैं इसमें सक्षम बनना है, मुझे इसमें सफलता हासिल करनी है, तो आपको उसके लिए प्रयास भी उतने ही ज़रूरी है,
प्रयास बिना कुछ नहीं होता। आप किसी का एग्जाम्पल ले लो, पूरे वर्ल्ड में बिना मेहनत किए, बिना कर्म किए कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ा। यू हैव टू डू योर कर्मा, इट इज़ वेरी वेल सेड इन महाभारत ऑल्सो, अपने पुराण ग्रंथ सब है और मदर ने और फैमिली में ये बताया गया है, सुना हमने पढ़ा जरूर है पर इतना याद नहीं। पर कर्म करो, डोंट सिट आइडियल, डू समथिंग स्मॉल बिग और वट एवर, बट डू समथिंग, डोंट सिट आइडियल। दैट इज़ माई यू नो नेचर एंड आई ऑलवेज टेल पीपल लाइक दैट। सर, जो आपको जिस मिशन के लिए उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, वहाँ जैसे आपको पता है कि हमारा जो मेन काम है वो ये है, आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करना, उनके बारे में खबर लेना और उनको एलिमिनेट करना या उनको पकड़ना है, वॉट एवर। सो वो उसी मकसद से हम कश्मीर में पोस्ट होते हैं एंड हम सब एक टीम में काम करते हैं। और टीम में सबसे पहले तो एक गलत धारणा लोगों में फैलाई जा रही है हमारे पड़ोसी देशों से और इन असामाजिक तत्वों द्वारा कि आर्मी गलत काम करती है, आर्मी जबरदस्ती वो करता है। बट आई मस्ट टेल यू, मेरा एक्सपीरियंस पूरे जीवन का बता रहा हूँ कि पहले बात तो कोई भी ऑपरेशन बिना ऑफिसर नहीं जाता कि ऑफिसर गया नहीं दूध नीचे वाला भेज दिया। नो, इट इज़ ऑलवेज ऑफिसर एड ऑपरेशन एंड पुलिस रैप ऑल्सो गोज विथ अस। सो इट इज़ अगेन वी आर यू नो देयर टू नॉट टू यू नो डू रॉन्ग थिंग्स टू द पब्लिक, बट वी डेफिनेटली डू सर्चेज, रेड करते हैं, सर्च करते हैं एंड जो सस्पेक्टेड, बिकॉज वी डोंट नो वेयर द टेररिस्ट। हमें खबर मिली गांव में टेररिस्ट है पर कहाँ है क्या है हमें क्या मालूम, वी डोंट नो। सो वी स्टार्ट सर्च और उसमें सर्च में कोई बुरी बात भी नहीं है, वी डोंट यू नो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेशन किए, फिर एक ऑपरेशन ये था काफ़ी हाइट पे था, इफ आई टेल यू अबाउट 6-7,000 फीट पे वी वेंट एंड ये मतलब कि रेडियो इंटरसेप्ट से हमारे हेडक्वार्टर में खबर पहुंची थी और उस खबर के उस पर हम एक पर्टिकुलर एरिया पे हमने होम ऑन किया था। तो इट वाज अ मल्टीपल कॉलम ऑपरेशंस एंड वी ऑल वेंट एंड सराउंडेड दैट एरिया। इट वाज वी वॉक थ्रू आउट नाइट, वी स्टार्ट अबाउट 7 o'clock इन द इवनिंग एंड वी रीच इन दैट एरिया अबाउट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। सो इट वॉज ऑल अपहिल वॉक and we were given the place in the map and that place was identified by us and we reached there and there you know they had kept the children's as a sentry just to alert if some army is coming. So a small child shouted moje moje army army, so moje matlab mother. So we with our experience we knew that such kind of आवाज़ आती नहीं कहीं पर, इन्होंने ये कुछ है यहाँ पर आस पास। सो आई अलर्ट माई टीम, सो राइटफुली वहाँ कश्मीर में क्या होता है, हम यहाँ डाणी बोलते हैं, झोपड़ी बोलते हैं, वहाँ पर ढोक बोलते हैं, ढोक DHOK ढोक। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ये जो अपना भेड़ बकरी चराने वाले जो नीचे से लोअर हाइट से ऊपर चले जाते हैं वहाँ पर वो चराते हैं और वहीं पे वो रहते हैं, वो लकड़ी का बना के अंडरग्राउंड बंकर टाइप में वो ढोक बोलते हैं उसको, उनके साथ रह रहे थे बिकॉज दे ऑल्सो टेरिस्ट बाहर बॉर्डर पार से आते हैं, उनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको खाना है, उनको रहना है, उनको नहाना भी है, उनको सोना भी है। सो वो ऊपर जंगल पे हाइट पे कोई देखे नहीं, वहाँ पर वो साथ रह रहे थे। सो वहाँ पर उनको रहना खाना सब मिल जाता था। अब वो देखो मजबूरी है, मजबूरी भी है, कई कई बार जानबूझ भी करते हैं उनको सपोर्ट करने, कई बार मजबूरी ज़्यादा होती है, नहीं भी करना चाहते, उनके पास गन्स होती है, उनके पास सब तरह के तरीके होते हैं, तो डर से भी लोग करते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। सो वहाँ पे ये रह रहे थे और टू कट द स्टोरी शॉर्ट, फिर ये 3-4 घंटे एनकाउंटर चला, जस्ट 50 मीटर्स गोलीबारी शुरू हुई एंड जो भी चीज़ थी उसके पीछे पत्थर, बड़े पत्थर थे, पेड़ थे, उनके पीछे हम लोग करते रहे फायरिंग एंड बीच बीच में रुकी फायरिंग। फिर हुआ इन वन ऑफ द बीच में टाइम में जब मुझे कोई टेररिस्ट दिखे नहीं सामने, तो आई वो चेंजिंग वन पोजीशन फ्रॉम ए प्लेस ए टू प्लेस बी, उसमें
मैं एक्सपोज हुआ, वो सबको पता था, आवाज़ें सामने दिखाई दे रही थी, लीडर यहीं पे, तो उन्होंने बस्ट फायर किया, तो एक बस्ट मुझे 3 गोलियां लगी लेफ्ट थाई में, लेफ्ट थाई में, एंड इट आई वाज लकी इन 2 एस्पेक्ट्स, एक तो मुझे हड्डी में नहीं लगी और मसल्स में से निकल गई, और दूसरा है कि मुझे मेरी थाई में लगी, अगर थोड़ा ऊपर लगता तो आई वुड हैव डाइड, सो आई वाज लकी इन 2 एस्पेक्ट्स, एक तो हड्डी नहीं टूटी मेरी, दूसरा मेरा बुलेट से भी लगा। हाँ मिशन खत्म होगा उसके बाद ही आप बिल्कुल बिल्कुल यू कांट रात में जो आपने क्लाइंबिंग की वो वापस आप नीचे जाओगे बिल्कुल बिल्कुल इट वाज डेलाइट ऑपरेशन एंड इट वाज ऑल विजिबल एंड एट द सेम टाइम आपका वहाँ चॉपर से पिकअप नहीं हो सकता बिकॉज जंगल में चॉपर उतरता ही नहीं है अनड्यूलेटिंग पेड़ों की हाइट है ग्राउंड से अनड्यूलेटिंग ग्राउंड सो यू नीड अ प्लेन एरिया सो एंड बिफोर द दैट एनकाउंटर इज ओवर You can't be lifted in the thick of the battle. So, though मैं फिर भी हौसला बढ़ाता रहा सबका क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा था मुझे बट आई वॉज ऑल्सो लकी इन थर्ड आस्पेक्ट कि ये जो आर्टरी जाती है मेजर आर्टरी वॉज नॉट पंचर इट जस्ट मिस बाई सम मिलीमीटर सो आई वॉज वेरी लकी उस टाइम पे आप कितने घंटे तक वहीं पे थे वही 3-4 घंटा एनकाउंटर चला 1-1.5 घंटा मुझे वहाँ से निकलने में लगा 4-5 घंटे था और बाकी वो 6 टेररिस्ट थे वो 6 को हमने 4 को अंदर स्पॉट ख़त्म हो गए थे 2 इंजर्ड हो गए थोड़े पीछे चले गए 1-2 किलोमीटर अगले दिन खबर मिली कि वो भी लॉस ब्लड से उनको फर्स्ट एड नहीं मिला मर गए तो ऑल 6 वर किल्ड बाय आर टीम एंड इन द बार्गेन आई रिसीव थ्रू 3 बुलेट्स आई वाज इंजर्ड एंड माई वन ऑफ द सिपाही ऑल्सो गॉट अ इंजरी इन द बैक So we two were injured and then my team took me up and the evacuation was very difficult. Killing other person at the same time you are saving yourself and your team. And also aap usko guide kar rahe ho, bol rahe ho ki ye karo, idhar aao, udhar chalo, ye fire karo, ye karo. So at the same time when I injured, I took the stock of the situation. I told them just pick up the blanket jo jispe sote hain, jahan se nikle the, bhaage the log. तो उनको उठाओ डालो 4 कोने पकड़ो नीचे ले चलो बट कम्बल इतने पुराने थे कि फट गए थोड़ी देर बाद फिर क्या फिर किस में ले जाएं तो फिर यू नो से मुर्दे को ले आते हैं कहते वैसे ले चलो तो ऐसे करते थे वी रीच द यू नो दैट इन द प्लेन एरिया वेयर चॉपर वॉज वेटिंग एंड आई वॉज लिफ्टेड टू बोथ वर लिफ्टेड टू द बेस हॉस्पिटल श्रीनगर बट एट द सेम टाइम दोनों को इंजरी अच्छी थी आई कुंड सिट बिकॉज उसमें खून ठंडा हो गया था तो पांव सीधा रखना था और उसे पीठ में लगी थी वो भी बैठ नहीं सकता उसको लेटा के ले जाना था तो चॉपर जो है उसमें आप 2 लोग बैठ के जा सकते हैं या 1 आदमी लेट के जा सकता सो आई टोल्ड मैन का ओके बीइंग ए लीडर मैन का ओके यू टेक माय सबॉर्डिनेट फर्स्ट देन सेकंड ऑन मुझे ले जाना बट नाउ द पायलट्स दे डिडंट वांट टू टेक चांस नो सर वील वॉट एवर हमें जैसे भी उन्होंने एक दूसरे ऊपर लेटाया पाँव ऐसे बांधे एक दूसरे के उसमें ये करे और दरवाजे बंद किए एंड दे टुक अस एंड देन इट वाज ऑल केयर ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इज वन ऑफ द बेस्ट इन यू नो दैट रिकवरी एंड द ट्रीटमेंट इट इज़ वहाँ एक कहावत है कि आदमी जिंदा पहुँच गया है तो वो फिर मर नहीं सकता हाँ उसके सांस चल रहे हैं तो डॉक्टर इतने अच्छे हैं आर्मी के बहुत अच्छे हैं दे टेक केयर एंड आई वॉज ऑपरेटेड एंड देर आफ्टर गोली लगती है तो वैसे आंखों के सामने मौत आ जाती है कि अब मेरे परिवार का क्या होगा मेरे बच्चों का क्या होगा या फिर आपकी ट्रेनिंग की वजह से आप उस टाइम पे भी मिशन में ही लगे हुए थे ये अगर ये सोचने लग जाएंगे ना कि बच्चे क्या होंगे परिवार क्या करेगा देन यू कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन योर मेन टास्क कहीं ना कहीं तो हम इंसान भी तो है एक आर्मी ऑफिसर पर वो चीज तो आपके हमेशा बिकॉज अगर आपने 2 चीज़ शामिल कर ली वो भी जहाँ गोलियाँ चल रही है तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी सक्सेसफुल यू नीड टू यू नो आप में इतना भरोसा होना चाहिए आपकी ट्रेनिंग में और आपके रिफ्लेक्सेस में कि यू आर बेटर ट्रेन देन द टेररिस्ट सो आप अगर ट्रेनिंग अच्छी की है आप अपने आप पर भरोसा है आप अपने फायरिंग स्किल्स पर आपको गन पर भरोसा है फिजिकल फिटनेस आई ऑलवेज गिव टू थिंग्स आई ऑलवेज टेल If an army man, a defense person, is good in firing, उसको अपने हथियार पर भरोसा है और अपने he is physically fit,
दो चीज़ है तो ही कैन डू एनी थिंग। सो आई नहीं नहीं वो दैट इज़ यू नो टू टू यू नो मेक मेक द पीपल इमोशनल। वो मूवी का मिर्च मसाला अलग है, वहाँ फ़ोटो पहली बात आप फ़ोटो लेके जाओगे, आप अमुनिशन लेके जाओगे, हथियार लेके जाओगे। सो फोटो सब कमरे में रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। और पर्स, पर्स का क्या करोगे, वहाँ कोई दुकान तो है नहीं। सो यू कैरी योर यू नो फाइटिंग इक्विपमेंट फर्स्ट, दैट इज़ गन, योर स्पेयर अमुनिशन, योर ग्रेनेड्स एंड योर बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, दैट विल हेल्प यू रादर देन यू नो रिमेंबरिंग फैमिली एंड ऑल अदर थिंग्स। That I never thought of that because I may be a different person, because first of all तो मैं एक चीज़ का सोचता हूँ कि, और मैं करता भी हूँ कि मृत्यु एक बार आनी है, you have to die once, not two times. So why not to be a happy person and do your job, and आएगी जिस दिन आएगी, but at the same time कि झूठा झूठा ब्रेवेडो झूठा वो बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं, you have to be alert also. And a person is only successful if he takes a calculated risk. अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। रिस्क उसी को ली जाती है, और भगवान भी रिस्क लेने की सहायता करते हैं, सफलता मिलती है। सो यू हैव टू हैव सम अमाउंट ऑफ रिस्क इन योर लाइफ, एंड आई ऑलवेज से कि अगर मौत आएगी तो यहाँ भी बैठे हैं, वन कैन डाई हार्ट अटैक। सो जब जहाँ लिखा होगा होगा, बट आपको हर रोज़ मरने से कोई मतलब नहीं, एक बार मरना। सो आई वेंट विद दैट आइडिया टू कश्मीर, इट वॉज माई आइडिया मैन, दैट्स वाई आई यूज टू रोम अराउंड डे एंड नाइट, देयर वाज नो नीड ऑफ रोमिंग एट 18 आवर्स और 20 आवर्स। पीछे से फैमिली की क्या सिचुएशन होती है जब उनको पता है कि आप इतने टेररिज्म के बीच में और ऐसे रह रहे हो, आप लोग मिशंस पे जा रहे हो? आपने सही सही पूछा, इट इज़ अगेन अ क्वेश्चन जो फैमिली में जो बीतती है। एक छोटी सी खबर, जैसे मेरी वाइफ टीवी में एक कश्मीर के बारे में कहीं भी कुछ भी हुआ हो, छोटी खबर ही लगता था शायद, वहाँ कुछ नहीं हो गया। ये इनकी सोच स्वाभाविक है, इट इज़ नेचुरल। जो आप, वो आपने उस चीज़ की ट्रेनिंग ली है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि मेरे को उधर रहना है और मेरे को टेररिज्म खत्म करना है जो भी है, बिल्कुल, और मेरे को वहाँ पर 3 साल रहना है, मेरे को अपनी कंपनी को मांग करनी है। बट जो आपके पीछे जो वाइफ हैं, जो बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, उनके लिए तो आप एक पेरेंट, एक रिलेटिव ही हो। इट इज डेफिनेटली यू आर वेरी राइट। एंड पीछे जो फैमिली है, माँ बाप है, बच्चे, डेफिनेटली दे आर वरीड अबाउट योर दिस थिंग, बिकॉज आप दूर बैठे चिंता ज़्यादा होती है कि वहाँ क्या हो रहा है। ऑन ग्राउंड में हमें इतनी चिंता नहीं है, बिकॉज वी नो आर फैमिलीज आर सेफ, चिल्ड्रंस आर स्टडिंग, सब सेफ है। तो हमें क्या है कि उसमें तो मोबाइल सुविधा भी नहीं थी। सो वेन एवर यू यूज टू मेक अ मोबाइल कॉल, इट मीन्स कि वी नीड टू टेक 15-20 पर्संस with me and go to the booth, STD booth. STD booth was very far away, 20 kilometers, 30 kilometers. So हम क्या करते थे, चिट्ठी लिख देते थे और पहुँच जाते थे और बोलते ठीक है, बिकॉज फॉर माई वन कॉल वाई वुड आई पुट माई 20 chaps into risk going to a area and there may be a bomb blast, there may be a grenade throwing case, there may be a some firing case, so why would I take? So I made my family understand. भाई मैं आपको लेटर लिखेंगे, पहुँचेंगे, बीच में जब भी मौका मिलेगा आसपास स्टडी बूथ होता कॉल कर लिया करें कि अभी हम गए कर लेंगे, एंड दैट वे दैट आई गॉट अ गुड सपोर्ट। हाँ, आई गॉट अ गुड सपोर्ट माई फ्रॉम माई फैमिली, एंड प्रॉब्ली एक रीजन उसका ये है कि दे वर वेरी वेल एजुकेटेड। वो खुद मेरी वाइफ एक बहुत अच्छी, वो भी मेरे तरह ही बहुत हार्ड वर्किंग और बड़ी अच्छी टीचर है, एंड लाइक वाइज माई चिल्ड्रंस ऑल्सो बचपन से जो है उनको देखा उन्होंने कि आर्मी में रहनुमा, सो दे ऑल्सो ग्रूम्ड इन द एटमोसफियर, उनको भी शायद ये एहसास है कि यस रिस्क है। सो इस हिसाब से उन्होंने अच्छा काम किया, दे डिड देयर जॉब, आई डिड माई जॉब, एंड दैट्स हाउ द फैमिलीज ग्रो एंड अच्छे रहे। और चिंता तो हर किसी को होती है, ठीक है ना, ये नहीं बोलता कि, और हर किसी को गोली का डर भी लगता है, पर उस डर में जो अपना डर हटा के और जो टारगेट पे ध्यान दे और अपना काम पूरा करे, और वो ही एक अच्छा लीडर कहलाता है और वही सफलता मिलती है। दैट्स व्हाट आई वाज लकी। आज तक मैं आपको बता दूं कि मेरे 35 साल के आर्मी करियर में जो भी टुकड़ी मेरे साथ रही है आतंकवाद में या कहीं पे भी, आज तक किसी को फेडरल कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई मरा नहीं है। इंजरी जरूर हुई, बहुत सारी इंजरीज हुई मेरे, वही लोगों इधर लगी उधर लगी, गोलियाँ लगी, पर सब ठीक हो गए।
ये मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूँ अपने भगवान का, अपने पेरेंट्स का, अपने रिलेटिव्स का, अपने वेल विशेस का, फ्रेंड्स का, कि ये मतलब कि ऐसा हुआ. अदरवाइज इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिस्क विच आई टुक, आई डोंट थिंक मतलब कि वेरी फ्यू पीपल टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क. सर, जो उस टाइम पे जो मेंटल स्ट्रेस होता है कि मैं अपने साथ 20 लोगों को और लेके जा रहा हूँ और इनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे, इनको वापस लाना नहीं लाना, वो जो मैं प्लानिंग करूँगा, जो मेरे ऑर्डर्स होंगे उन पे डिपेंड करता है, तो आपको वैसे डबल थॉट्स नहीं आता थे कभी कि अगर ये वाला डिसीजन सही नहीं गया तो क्या? नो चिंता, बिकॉज आपको, यू आर हेड ऑफ द दैट ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर वर्किंग एज ए कंपनी कमांडर, वॉट एवर कमांडिंग ऑफिसर, उसको बहुत बड़ा हमेशा चिंतित रहती है कि मैं हमेशा, ऐसे मेरा डायलॉग था कि मैं आई विल मूव अलोन, मैं आगे चलूँगा, आई लीड, आई एम ए पर्सन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट. तो अगर 15 आदमी जा रहे हैं तो मेरा, आई विल बी ऑन सेकेंड और थर्ड ऑलवेज, दो गाइड होते हैं बाकी एक, अदरवाइज आई मे बी 15%, आई मे बी 10%, बट इट इज़ योर ओन एग्जाम्पल. आप कहीं भी अपना एग्जाम्पल से अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करोगे, दे विल मोटिवेट मोर, कि हमारा लीडरशिप से आगे चल रहा है. एट द सेम टाइम कि मैं क्यों चलता था, नॉट दैट कि आई वॉन्टेड टू शो ऑफ एंड समथिंग, बट मेरे बचपन से ही मुझे आई फॉर ग्राउंड देखने का, मेरा बहुत दूर से है ना, आई कुड स्मेल, आई कुड सी, अच्छा वहाँ हरकत है, अच्छा वो देखो उस पेड़ पीछे कोई आदमी है, ओ मुझे नज़र आ जाता था, इसलिए मैं आगे चलता था. और मुझे हमेशा लगता था आप कि आप लोग जो है जैसा सिखाया गया है, सब तरफ देखते हुए चलो, ग्राउंड को स्कैन करते हुए चलो, इसके आसपास तो जो चीज़ें सिखलाई गई है, चलो नीचे गर्दन के नहीं चलना, यू हैव टू सी द एरिया, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड कीप वॉचिंग द एरिया, कीप मूविंग द एरिया, कीप द यू नो पीपल, हरकत देखो. अब देखा ट्रैफिक में गाड़ी किसको रुकी जाती है, जहाँ उस गाड़ी में डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे आदमी, वैसे ही आपका एक्सपीरियंस आतंकवाद में हो जाता है ओवर ए प्योर टाइम, आपको पता चलता है 60%, अच्छा ये तो वो आपके दिमाग में, इफ़ यू आर यू नो थिंकिंग दोज लाइन्स एंड ट्रेन ऑन दोज लाइन्स, ये पक्का आपको एक्सपीरियंस आया था हर बात. तो आई कुड मतलब कि सी एंड स्मेल कि यहाँ कुछ फिशी है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, इस गांव में कुछ शांति ज़्यादा ही है, यहाँ कुछ चुपचाप लोग हैं, यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. सो आई कुड यू नो गैदर दोज काइंड ऑफ इंडिकेटर. ये इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी चीज़ को, आपको हर एक चीज़ के इंडिकेटर्स होते हैं, आपके बुखार के हो, आपकी लड़ाई के हो, आपके पोलिटिकल पार्टी जीते उसके भी इंडिकेटर होते हैं. सो इट इज़ ऑल इंडिकेटर्स विच यू मस्ट एज ए लीडर यू मस्ट एंटिसिपेट एंड लर्न. तो टीम की चिंता हमेशा होती थी कि कोई भी, हम 20 आदमी जा रहे हैं, 15 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, हम सब सेफ आएँ, अपना टास्क पूरा करके आएँ, और दिया गया रास्ता, दिया गया टास्क को पूरा करके ही लौटेंगे. एंड वी यूज़ टू डू इट, एंड फिर आपस में बहुत भरोसा हो जाता है, रात दिन आप साथ रहते हो, सो यू गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग ईच अदर, और वो आपस में अच्छी आपकी जो है एक टीम भावना बन जाती है, और जब टीम भावना बन जाती है देन यू आर. सर माहौल कैसा होता है उस टाइम पे, वैसे बहुत सीरियस होता है या फिर उस टाइम पे? मैंने देखा है कि आर्मी में जो है ना इन जनरल बहुत ह्यूमरस माहौल रहता है, आप ऐसे टेंशन में नहीं रहते हो जैसे मूवियों में दिखाया जाता है, आप बहुत जैसे आप अपने फैमिली के साथ बैठे हो वैसे रहते हो, मजाक भी चल रहे हैं, वो अपने आस पास की चीज़ें ही बता रहे हैं, सब हो रहा है. तो जब किसी मिशन पर होते हैं तब क्या फीलिंग क्या होती है? देखो पहली बात तो माहौल बनाना, बिगाड़ना, टेंशन लेना और टेंशन देना, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. अगेन आई वुड से कि मुझे न तो मैंने कभी टेंशन ली, अगर टेंशन लेना तो फिर काम ही मत करो, सुबह से टेंशन लेके बैठ जाओ आपको सारे काम हो जाएंगे. सो आई एम ए पर्सन हु बिलीव्स अपना काम करो. मुश्किल कठिनाई हर एक के जीवन में आती है, हर दिन आती है, इफ़ यू कीप डूइंग योर जॉब काम चलते रहते हैं. सो उसी भावना से जो मतलब कि मैंने उनको सिखाया लोगों को कि भाई आप टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है और टेंशन से कोई हासिल नहीं होगा, आप जो काम करोगे उसी से आपको सफलता मिलेगी और चलते गए सफलता मिलती. कि बस आई यू नो व्हाट आई ऑलवेज से कि डू स्मॉल थिंग्स इन अ राइट वे, दोज रिजल्ट्स विल कम इन अ बिगर वे. छोटी चीज़ें आप अच्छी तरह से करते रहो तो आपका रिजल्ट अच्छा बड़ा मिलेगा, ठीक है ना?
सो राधर दैन डूइंग अ डिफिकल्ट थिंग एंड यू नो एक बार भी मैं उस पहाड़ पे दो कदम पे चढ़ जाऊँ, आपको सीढ़ियाँ धीरे धीरे चलनी पड़ेगी और उसी हिसाब से आपको सफलता मिलेगी। सो दैट इज़ सर, ये एडवेंचर का जो आइडिया है, ये कश्मीर जाके आया या फिर पहले भी कुछ ऐसा? नहीं, इट्स गुड क्वेश्चन दैट यू नो आई मेंशन दैट कि मेरा बचपन से ही एडवेंचरस एटीट्यूड रहा है। इसके दो तीन एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जब मैं अजमेर में पढ़ता था, दैट इज़ माय फोर्थ क्लास में, आई वाज अबाउट आई थिंक 9 ईयर्स ओल्ड, एंड हमारा हॉस्टल था उसके पीछे, आपको पता अजमेर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वहाँ भी हमारे हॉस्टल से करीबन 2 किलोमीटर दूर जितनी बड़ी पहाड़ी थी, पर हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी लगती थी। तो हमारे हॉस्टल वार्डन आमतौर पर हमें संडेज़ को भेज देते थे, कहते जाओ आप थोड़ा पहाड़ी पे चढ़ के आओ, घूम के आओ। सो इट वाज बेसिकली हिज थॉट प्रोसेस वाज टू यू नो फिजिकल ट्रेनिंग हो जाएगी इनकी, है ना। सो हम जाते थे, तो एक संडे को हम गए, तो ऐसे हमें शर्त लग गई कि सबसे पहले कौन चढ़ेगा। तो हम 30-40 लोग थे, मैंने कहा राइटफुली, हमने कहा भी मैंने बोला चढ़ना तो मुझे ही ऊपर, तो हम भाग के पूरा ऊपर चढ़ गए सबसे पहले। लोग जब तक आए, जब तक मैं आई वॉज रिलैक्सिंग, तो फिर वो आए कहते इस बार है ना उतर से हम फर्स्ट आएंगे, दो तीन बोले। तो मैंने कहा नहीं, उतने टाइम में ही फर्स्ट आऊँगा। सो हमें बच्चे थे, हमें पता नहीं था इतना पहाड़ चढ़ना उतरने का, तो हमने स्पीड तेज रखी। स्पीड तेज होते 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 ऐसा स्टेज आया कि दौड़ने लग गए। अब दौड़ने लगे तो एकदम से, वो छोटे थे ही, तो कोई बड़ा सा पत्थर आया सामने, तो उसमें टांग अड़ी एंड आपने फ्रंट रोलिंग शुरू कर दी वहाँ। अब करते थे कितने नीचे आए मुझे नहीं पता, आई वॉज टोटली अनकॉन्शियस, माई एंटायर बॉडी वॉज ब्लीडिंग। एंड सारे बच्चे, जब सारे मेरे साथी लोग आए और आसपास के भेड़ बकरी वाले वो भी आ गए जो चरा रहे थे पहाड़ पे, तो थोड़े से ठीक थे, बच्चे थे 9, 10, 11 साल के, तो सब ने सोचा मर गया। इट वॉज ऑल ब्लीडिंग, एंटायर बॉडी वॉज ब्लीडिंग, चेहरे से, पूरा बॉडी से। सो उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे उठाया, एक टेम्पो कोई साथ में था उसे बिठाया, हॉस्टल रह गए, वार्डन ने फिर मुझे एडमिट कराया। तो एंड इट वॉज रिकवरी, आफ्टर 3 मंथ्स आई वॉज रिकवर्ड, इट वॉज ऑल स्टेजेस ऑल अराउंड द बॉडी। सो इट वॉज माई, बट इट वॉज आई हैड दैट काइंड ऑफ माइंड एंड यू नो फिजिकल फिटनेस टू टेक द चैलेंजेस। इट वॉज वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर मी, आई विल कम फर्स्ट। देन अगेन इन साइंस चित्तौड़गढ़, इन माई क्लास 9th, आई वॉज द यंगेस्ट टू वॉलेंटियर टू पार्टिसिपेट इन हल्दीघाटी साइकिल एक्सपीडिशन। दैट इन्वॉल्व 113 किलोमीटर्स पर डे वी यूज टू साइकिल ऑन दोज डेज। जो आजकल साइकिलें तो बड़ी अच्छी है, गेयर वाली वैसे भी अच्छी है, पहले तो एटलेस साइकिलें होती थी नॉर्मल। सो बट आई वॉज द यंगेस्ट, बाकी लोग थे 11th 12th वाले थे। दैट वॉज अबाउट 10-12 दिन का था। It was and my two teachers, those who were the tour head, they refused that no, we will not take you. I was very lean and thin. So नहीं, आप नहीं चला पाओगे। फिर मैंने कहा no sir, please take me, I volunteer. तो फिर हम रहे, but I in entire tour I was leading, I was in front. चित्तौड़ से भी started and उदयपुर गए, उदयपुर से रणकपुर, कुंभलगढ़ और ये होते होते ऐसे उसी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में और मेवाड़ में, एंड वी रीच्ड बैक टू सैन चित्तौड़गढ़। सो इट वाज एजुकेशन कम एडवेंचरस कम हिस्टोरिकल टूर। सो दैट वाज आल्सो, अगर आप में हौसला था जब भी, तो आपने वॉलंटियर किया और वॉलंटियर करने के बाद आपने समझा है नो सर आई विल बी, मैं आगे ही रहूँगा। सो दैट काइंड ऑफ एडवेंचरस थिंग, रादर देन सिटिंग 12 दिन आप आराम से बैठे रहो, मत चलाओ साइकिल, कौन मना कर रहा है, डोंट वॉलंटियर, ठीक है ना, डोंट टेक इनिशिएटिव। सो इनिशिएटिव वाले आदमी को ही सफलता मिलती है। सो दैट आई डेवलप्ड कॉन्फिडेंस इन माय बॉडी, मुझे पता चला कि मैं इतने किलोमीटर भी पर डे चला सकता हूँ। 113 किलोमीटर 115 में मेरी एवरेज आती थी रोज, और नॉर्मल साइकिल से। सो इट वाज नाइस, बहुत अच्छा रहा। ऐसे और भी उदाहरण है जो मतलब कि काफ़ी, फिर आर्मी तो टोटल एडवेंचरस ही है। सो आई ऑलवेज से द पर्सन हु आर थिंकिंग टू जॉइन आर्मी, इट गिव्स यू ऑल काइंड ऑफ एटमोसफियर, गुड कंटोनमेंट लाइफ, गुड एनवायरमेंट, ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स यू कैन प्ले, ऑल काइंड ऑफ एजुकेशन एक्टिविटीज यू कैन डू। वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स,
सो सब जगह हमारे एडवेंचर एक्टिविटी चलते हैं इंडिया में. यू कैन डू योर यू नो हॉबीज ऑल्सो एंड यू कैन एट द सेम टाइम कॉन्ट्रीब्यूट इन योर नेशनल सिक्योरिटी एंड यू कैन डू योर मेन टास्क ऑल्सो. सो द आर्मी गिव्स यू होलिस्टिक एंड ओवरऑल डेवलपमेंट इन योर लाइफ विच हेल्प्स यू टू सेल थ्रू. सो दैट आई ऑलवेज से हुसोर यू नो इज प्लानिंग टू यू नो ज्वाइन ही मस्ट ज्वाइन एंड इट इज़ नॉट ओनली दैट ये आपने आई एम ए कर लिया सी डी एस कर लिया एन डी ए कर लिया अब तो बस हम आगे अब हमें नहीं नो यू हैव टू वर्क एवरी डे एंड यू हैव टू वर्क ऑन अ करेक्ट डायरेक्शन ऑन अ ट्रूथफुल पाथ दैट्स वाई यू विल गेट द प्रमोशन अदरवाइज यू विल बी फिक्स्ड. देयर लॉट ऑफ स्टडीज इन्वॉल्व देयर इज लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व देयर इज लॉट ऑफ यू नो योर माइंड एंड बॉडी गेम इज इन्वॉल्व सो यू हैव टू बी ऑफ दैट काइंड अदरवाइज क्या होगा कि आप किसी मुकाम पहुँचोगे और आप या तो आपके साथ जो टोली है वो आपको जो दे नॉट लुक यू इन दैट आस्पेक्ट और आपको सफलता नहीं मिलेगी टिल द टाइम यू आर इन टू ऑल दिस थिंग्स. सो इट इज़ अ गुड दिस. सर आपकी बातों से ना मेरे एक सवाल आ रहा है कि जिस टाइप के आप इंसान हो आपने बहुत लोगों से बातें की हैं बहुत एक्सपीरियंस गेन की है तो जो आज का जो बच्चा है और जो पहले का जो बच्चा उसमें इतना फर्क आ गया है कि अभी के लोग बात करना पसंद ही नहीं करते वो अपने घर वालों के साथ नहीं बैठते दोस्त के नाम पे आप पबजी पे दोस्तों के साथ खेल रहे हो और बाहर जाना पसंद नहीं करते अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जबकि जो पुराने लोग हैं उनसे आप पूछोगे वो कहेंगे कि कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस आप लोगों से बात करो उनके एक्सपीरियंसेस गेन करो उनका पर्सपेक्टिव जानो कि उन्होंने क्या सोचा लाइफ में क्या किया तो आप मतलब आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है कैसे हो यू नो द नाउ डेज इफ यू सी द ओवरऑल एटमॉस्फियर एंड द यू नो द यंगस्टर्स को विच आई सी देयर लाइफस्टाइल इज मूविंग फ्रॉम डे टू नाइट. पहले सूर्योदय के टाइम में आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स और बुजुर्ग लोग अर्घ देते थे पानी चढ़ाते थे हाथ जोड़ते थे कि भी सूर्य भगवान है. आजकल 90% यंगस्टर्स सूर्य देखते ही नहीं दे ओनली गेट अप एट द मिडल ऑफ द डे व्हेन हाफ डे इज़ गॉन बिकॉज दे आर द पर्सन दोज हु कीप अवेक इन नाइट. अब नाइट में ठीक है जो कॉल सेंटर जा रहा है जिसका ऑफिस रात को इट इज़ समझ में आती बात पर जब रात में आपका ऐसा कुछ है ही नहीं है ना द थिंग्स कैन बी डन इन टू डे लाइट रात बनाएगी सोने के लिए ट्रेडिशनली उसमें हमने लाइफ यू नो आपने बायोलॉजिकल साइकिल ही चेंज कर रहे हैं. सो दैट इज़ सम वॉट यू नो लाइफ स्टाइल कमिंग फ्रॉम अब्रॉड एंड वी आर टोटली गोइंग टू वेस्टर्नाइज कल्चर. यस मोबाइल इफ यू नो कोई भी गैजेट है कोई भी चीज़ है वो उसको उसमें अच्छाई भी है बुराई भी है कोई भी इंसान उसमें अच्छाई भी है बुराई भी है. सो आपको जैसे मेरे हॉस्टल में अच्छे लोग भी थे बुरे लोग भी थे. आई डिडंट गो विद द बैड करेक्टर्स आई सेलेक्टेड द गुड पीपल अच्छे इंसानों के साथ बैठा. ऐसे ही आपके मोबाइल इज़ ए वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट इन योर हैंड पूरी दुनिया आपके हाथ में प्रोवाइडेड यू यूज़ इट करेक्टली एंड इन योर फेवर. सो ये आपके ऊपर है एक इंसान के ऊपर करना क्या है. बट आई अगेन से टू थ्री थिंग्स कि जस्ट फॉलो द यू नो नेचुरल वे ऑफ लिविंग वेर इन यू नो वर्क ड्यूरिंग डे टाइम इट इज़ ऑलमोस्ट 12 आवर्स यू आर गेटिंग स्लीप एंड also you know involve some time in your hobbies and sit with the older people also youngster also children's also you give time to your family also because main hamesha bolta hu 24 ghante bhagwan ne banaye bade soch samajh ke banaye 24 ghante mein aap bahut sab kuch kar sakte ho if you plan your time samay ha samay jo successful aur jo successful nahi hai insaan uske beech mein samay ka affair hai. जिस इंसान ने समय की पाबंदी समय को इस्तेमाल ठीक कर लिया वो इंसान सफल हो गया. जिसने नहीं किया टाइम बर्बाद किया और वो किया वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं. ये आप देख लेना मोटे तौर पे आपको पता चलेगा कि ठीक है अभी यार अभी तो टाइम है ना चलेंगे एक चाय और पी लेते हैं दो घंटे बाद चलेंगे. सो पंचुअलिटी टाइम मैनेजमेंट इट इज़ अ वेरी एसेंशियल इन इज सर्विस बिजनेस और एनीवेयर. तो आपने एक बात और बोली कि भाई आप आजकल लोग बैठते नहीं हैं. मैं बोलता हूँ कि इफ़ यू सी
the film stars and actor actresses, their horizon is very big. उनका जो दायरा है, क्योंकि वो रोज़ इतने लोगों से, इतनी दुनिया घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं और हर करेक्टर में वो एक्टिंग करते हैं. सो दे हैव टू लर्न दैट. उनका दायरा बहुत बड़ा है. लाइकवाइज पॉलिटिशियंस, दे हम सोचते हैं यार इनको कुछ नहीं, बट देयर माइंड एंड देयर यू नो द उनका जो सोच तो नहीं, मैं जो नॉलेज है एक पब्लिक डोमेन में वो बड़ी, मतलब उनको बहुत सारी नॉलेज है. हर सब्जेक्ट नॉलेज होती है, बिकॉज सम टाइम समबडी इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, एट द नेक्स्ट टाइम विल बी है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सम टाइम विल बी है होम मिनिस्टर. सो उनको नॉलेज है. लाइक वाइज आई टेल एवरी वन कि आप जितने लोगों से इंटरेक्ट करोगे, भले से फैमिली के बुजुर्ग हो या वो भी एक्सपीरियंस अच्छा देंगे, बच्चे से भी आप सीखोगे, अपने पेरेंट्स से भी सीखोगे, फ्रेंड्स से भी सीखोगे. सो आप सबके साथ बैठो, जितना समय उतना बैठो, और सब करने के बाद में एक अच्छा सर्कल बनाओ अच्छे इंसानों का, जो आपको अच्छी शिक्षा दे, अच्छी बातें करे, रादर देन वेस्टिंग टाइम इन गॉसिप्स एंड अदर थिंग्स. सो यू विल बी ए गुड ह्यूमन बीइंग इफ़ यू डू ऑल दीज थिंग्स. अल्टीमेटली आपका निखार आएगा आपके व्यक्तित्व में, आपके आचरण में, आपके विचार में, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी बनेगी. आज के ज़माने में एक चीज़ बहुत मैंने जो नोटिस की है, द इंडिविजुअल हु इज़ हैविंग ए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन वर्बली और इन राइटिंग, ही इज़ ऑलमोस्ट ही विल बी ए गुड सक्सेसफुल ह्यूमन बींग. वो अच्छा काम करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी लैंग्वेज, यस, आपको भले से कितनी भी नॉलेज है, मेरे को पूरी दुनिया भर की किताबें पढ़ ली मैंने, पर मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. कल से आपको खड़ा किया, बोला ओके आप, आई विल गिव यू 5 मिनट्स, यू थिंक एंड स्पीक ऑन सम टॉपिक. आपको नॉलेज पूरी आती है पर आप बोल नहीं पा रहे हो. सो वो नॉलेज किस काम की? सो यू दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल बिजनेस हो या कोई भी सर्विस हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, एनीवेयर कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज़ ए वेरी बिग सब्जेक्ट. सो कम्युनिकेशन हैज गॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन लाइफ. जितना मुझे समझता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज और कम्युनिकेशन भी आपकी लाइफ में उतनी जरूरी है जितनी थ्योरेटिकल नॉलेज. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस. थ्योरेटिकल चीज़ें देखो वो भी बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके बिना यू कैनॉट यू नो आप एक बेसिक नहीं सीख पाओगे. पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल भी है. आपने आजकल जो है देखा होगा 12th पे बच्चे 12th के बाद दे चूज ए स्ट्रीम, पर मैं तो बोलता हूँ 12th के बाद में आप कुछ ना कुछ आप प्रोफेशनल या आप स्किल्ड पर्सन बन जाओ, है ना. आज मतलब कि मैं जिस अभी जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं खूब लोगों के टच में आता हूँ, मतलब दे आर डबल एम ए, बी एड, पी एच डी, सो मैनी, बट देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इज गवर्नमेंट सर्विस ऑब्वियसली. देयर आफ्टर यू नो दे वॉन्ट टू जॉइन सम प्राइवेट सर्विस, वो भी नहीं पता है बिकॉज जॉब लिमिटेड है. सो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? स्किल. सो डेवलप सम स्किल इन यू वेर इन यू नो आप अपना काम करो साथ साथ पढ़ाई भी करो. सो अगर पढ़ाई में नहीं निकल गए तो ठीक है, नहीं निकले तो आप कम से कम स्किल में तो चल रहे हो. एटलीस्ट समथिंग इज बेटर नथिंग. आप कुछ तो कमा रहे हो, आप मतलब कि कुछ भी चीज़ जानते हो, प्लम्बिंग जानते हो आप, मतलब कि गाड़ी रिपेयर जानते हो आप, गाड़ी चलाना जानते हो, एटलीस्ट दैट इज़ योर स्किल, यू कैन अर्न. सो एंड सपोर्ट योर फैमिली. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सर ये आपकी फील्ड की पोस्टिंग के बारे में तो बात करी, तो जो पीस में भी तो पोस्टिंग होती है, वहाँ पे तो आप फैमिली को भी साथ लेके जाते हो, और पीस में तो फील्ड पीस चलती रहती है. जैसे कि इन माय कैरियर इफ़ आई रिकॉल, मैं फैमिली के साथ मुश्किल से 40% टाइम रहा हूँ. सो मोस्ट ऑफ टाइम इट इज़ फील्ड, बिकॉज आज के दिन माहौल भी सब तरफ यू नो बॉर्डर्स पे भी, और बॉर्डर से ज़्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है इट इन्वॉल्व्स सिक्योरिटी पर्सनस. सो काफ़ी हो गया है. एंड स्कूल हर जगह अच्छी नहीं होती है, हर जगह आपका रहने का भी अच्छा नहीं होता, तो यू लाइक योर फैमिली टू स्टे इन सम प्लेस. सो पीस स्टेशंस में फैमिली साथ होती है और हमें
टाइम भी काफ़ी मिलता है, लुक आफ्टर द फैमिली एंड चिल्ड्रेन एंड गिव देम फुल टाइम। तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए, एक तो आप फील्ड एरिया से आप आते हो, फील्ड एरिया में कोई सैटरडे संडे नहीं होता, इट इज़ 24x7 एंड 365x7 ऑल डेज आर यू नो लाइक दैट, नो सैटरडे संडे। यहाँ पे आपको टाइम भी मिलता है, संडे भी मिलता है, यू गो टू मार्केट ऑल्सो, यू सी मूवीज ऑल्सो, यू गो टू क्लब्स ऑल्सो एंड ऑल दीज थिंग्स एट द सेम टाइम। जो यू ट्रेन फॉर योर अल्टीमेट टास्क, पुलिस स्टेशन में वो हमारी ट्रेनिंग काफ़ी चलती है, जहाँ कैंटोनमेंट है वहाँ भी एवरीडे, और जहाँ हमारा फील्ड का एरिया जहाँ हमें लड़ाई लड़नी है वहाँ पे हम जाके ट्रेनिंग करते रहते हैं। सो दैट इज़ ए पार्ट ऑफ आर सिस्टम। इफ़ यू आर नॉट ट्रेंड, इफ़ यू आर नॉट नोइंग अबाउट योर टास्क, देन अल्टीमेटली यू, जब ये बिगुल बजेगा लड़ाई का, तो आप अरे यार अब तो हमने तो ऐसा काम किया ही नहीं। सो दे ऑलवेज से मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जितना पसीना आप पीस स्टेशन में बहाओगे, उतना ही खून आपका लड़ाई में कम बहेगा। सो बेटर यू आर ट्रेंड, बेटर यू आर काउंटेड इन योर वेपन सिस्टम एंड वॉट एवर यू लर्न, एंड बेटर इज़ योर यू नो रिजल्ट। सो वो चलता रहता है, मतलब कि फैमिली के साथ भी रहते हैं, साथ साथ ट्रेनिंग भी करते रहते हैं, और कुछ स्पोर्ट्स इवेंट कुछ ये भी चलती रहती है, तो इट गिव्स एटमॉस्फेयर वेरी लाइवली एंड वी कीप यू नो हल्के फुल्के जो हमारे सोशल इवेंट्स भी चलते रहते हैं एंड सोशल गैदरिंग्स भी चलती रहती है, वेर एन वी मीट ग्रीट एंड यू नो गो ऑन सम पिकनिक्स ऑल्सो। सो इट इज़ अ टोटल पैकेज विच वी गो थ्रू, दैट्स वाई यू नो इफ यू सी द कैंटोनमेंट में जो लोग रहते हैं, जो चिल्ड्रंस भी रहते हैं, दे आर वेरी, दे ग्रूमिंग इज डिफरेंट, दे कैन हैंडल एनी सिचुएशन, दे आर गुड इन कम्युनिकेशन, दे आर गुड इन देयर ड्रेसिंग सेंस एंड डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन, हर चीज़ उनका करीब करीब बाहर के बच्चों से ठीक मिलेगा। मैं जो अपना वी कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, एक भले सिपाही हो भले अफसर हो, दे ऑल कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो हमें जो सीखने को हमें एक दूसरे से मिलता है वो बहुत बहुत अच्छा मिलता है, एंड वो इट इज़ ए गुड फॉर आवर कैरियर ऑल्सो। सर आपने कितने साल जॉब किया? मैंने 35 ईयर्स किया। टिल द टाइम आप सर्विस में हो, देखो अगर मेरी इंडिविजुअल बात करूँ, आई हैव डन अ वेरी गुड सर्विस, माई प्रिंसिपल्स हैव बीन यू नो विच आई हैव बीन टेलिंग एवरी वन, आई वर्क ऑन 4-5 प्रिंसिपल्स, द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, योर लॉयल्टी, योर सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस एंड डेडिकेशन टू द ऑर्गनाइजेशन। सो ऑल दीज थिंग्स इफ आई यू नो होम ओन, देर बी ओनली टू थिंग्स अ पर्सन शुड हैव, वन इज़ लॉयल्टी इज अ फर्स्ट फैक्टर, देन उसके बाद में ऑनेस्टी सिंसियरिटी सब आ जाती है। इफ़ यू आर लॉयल, आप अगर वफादार हो किसी प्रति, तो आप में सच्चाई भी आ जाएगी, आप में मतलब कि डेडिकेशन भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू वी कीप अ डॉग एज अ पैट इन आर हाउस, वॉट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ डॉग, ही ओनली लॉयल्टी, उसको हम जीवन भर बच्चे से लेके मरने तक हम उसको बच्चे की तरह पालते हैं, ठीक। सो आई वर्क लाइक दैट, व्हेन आई हैव जॉइंड समथिंग, इट आई हैव टू बी टोटली लॉयल टू दैट पर्सन, वेदर इट इज़ towards my organization, whether towards my seniors, towards my subordinates, towards my friends or family or whatever, it has to be you are loyal to your task, you are loyal to your thing. So us foundation pe agar kaam aap karte hain, aur humne jo kiya bhi hai, so kaam hamesha acche honge aur acche hue, aur I never diverted, you know, jo maine sikha usse main divert nahi hua. 35 saal mein maine khub स्पोर्ट्स भी किया है, मैंने अच्छे फ्रेंड्स बनाए, मैंने अच्छे एडवेंचर भी किया है, मैंने अच्छी सोल्जरिंग भी की है, और मुझे रिवार्ड्स भी काफ़ी मिले हैं, एंड मेरा ओवरऑल जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी बहुत अच्छा हुआ है, एंड स्टिल आई एम ए पर्सन यू नो कीप वर्किंग, कीप गोइंग टिल द टाइम यू आर मतलब कि योर बॉडी इज़ विथ यू एंड यू आर फिजिकली
ठीक, हेल्थ ठीक है आपकी, एंड जस्ट कीप वर्किंग, यू नो, इट गिव्स यू लॉट ऑफ यू नो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सो रादर देन सिटिंग आइडल। सो अभी भी मैं आगे, मैं अपना जहाँ भी काम करना मैं करता रहूँगा। तो आर्मी भी ठीक था, बार भी ठीक है, और मुझे सिर्फ जो चीज़ कर ली है मैं उसमें नहीं हूँ। सो आई एम अ पर्सन दैट आई डोंट यू नो कीप एट बैक ऑफ माइंड कि यार मैं यार वहाँ ये कर लेता। मैंने अपना जो काम करना था मैंने पूरा किया, एंड आई हैंड ओवर माई बैटन टू समबडी एल्स। सो थिंग्स आर कीप गोइंग, एंड अभी भी अच्छे मिलते हैं, कैंटोनमेंट्स में जाते हैं, सोशली मिलते हैं, गोल्फ खेलते हैं। अभी तो एके जाट का रेजिडेंट भी आप जा रहे हैं उसमें? हाँ अभी है, अब जा रहे हैं बिल्कुल। हाँ, इट इज़ इन फिरोजपुर, सो आई विल बी गोइंग एंड विद फैमिली आई विल बी गोइंग, व्हाई नॉट, इट इज़ आर सेकेंड होम, वेयर यू काफ़ी साल गुजारे हमने वहाँ पे, और इट इज़ लाइक ए फैमिली, सो जिंदगी भर जाते रहेंगे, व्हाई ओनली रेजिंग डे। सर आपने 35 साल नौकरी की, इतना सब कुछ किया, और फिर भी आप रिटायर होने के बाद अब कॉर्पोरेट लाइन में आए, इसमें आप ऐसा ही इसमें इतने अच्छे पोस्ट पे इतना काम कर रहे हो, इसके बारे में हमें पूरा एक सेकेंड एपिसोड बनाना पड़ेगा इस चीज़ का। बट अभी जितना हमने बात की, आपको कोई एक बस एक दो वर्ड में कोई ऐसा मैसेज देना हो यूथ को, जो जैसे मेरे साथ रहे, मेरे दिमाग में रहे, कुछ एक दो वर्ड कोई ऐसे, जैसे आपने लॉयल्टी बोला और कम्युनिकेशन बोला, वो चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहेगी। बिल्कुल, मेरे बच्चों को मैं ये सिखाता हूँ, बाकी जो भी मेरे से टच में है एक ही चीज़ बताता हूँ कि आप एक तो जो भी लाइन आप चूज़ करते हैं, आप अपना जहाँ पे, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ, यानी मैं अर्न कर रहा हूँ और मैं उसके लिए, मतलब कि नौकरी के लिए कर रहा हूँ, नो, इट हैज़ टू बी, आजकल सो मेनी थिंग्स, पहले इतने एवेन्यूज़ नहीं थे, बहुत एवेन्यूज़ है, तो उस एवेन्यूज़ को ध्यान में रखते हैं, आप उस लाइन में जाओ जहाँ आपका मन करे और आप उसमें एन्जॉय करें। कि मेरे पेरेंट्स ने कई बार बोलते लो, मेरे पेरेंट्स ने बोला टीचर बन जाओ, किसी ने बोला वहाँ चले जाओ, नो, इट हैपन प्रैक्टिकली विथ मी। मेरे आई वॉन्टेड माई सन टू जॉइन आर्मी, बट SSB आ गई थी, बट ही नेवर अपियर्ड इन SSB। उसका एक ही फोकस था, पापा मुझे बिजनेस करना। अब बीइंग आर्मी मैन आई डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी। मैंने कहा ठीक है, विल आप अपना पहले एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करो, एंड जस्ट डू इट, देर आफ्टर वी विल सी। सो ही वॉज फोकस्ड कि मुझे नहीं जाना आर्मी में, तो गुड थिंग, आई अप्रिशिएट दैट। और मैं उसको भी ज़बरदस्ती घुसा था उसमें, तो आई थिंक ही वुड हैव ईदर नॉट बीन सक्सेसफुल और ही वुड हैव कम बैक। सेम वे माई डॉटर सेज कि पापा मुझे मैथ्स नहीं लेनी है 12th, उसे नहीं ली। मैंने कहा मैथ्स ले लो बायोलॉजी साथ में, तो नो, मुझे बायोलॉजी नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है। सो इट वॉज फोकस्ड अप्रोच एंड फोकस दैट हार्ड वर्क फॉर दैट, हाँ, और वो डॉक्टर बनी फर्स्ट चांस में। सो दैट इज़ अ लाइव एग्जाम्पल माई लाइफ। सो आई सजेस्ट कि डोंट, आप किसी को पुश मत करो, जहाँ मन है वहाँ जाने दो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इफ़ यू डू अ वर्क, इट विल बी एप्रिशिएबल, अच्छा काम करोगे आप। सेकेंड ये, जब आपका काम कहीं मिल जाता है, स्टिक टू दैट थिंग, डोंट वेस्ट टाइम, एंड डू योर वर्क इन दैट स्प्लिट टाइम फ्रेम, सो दैट यू नो यू कम बैक, एंड ऑल्सो यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली, चिल्ड्रेन, एंड बच्चों के साथ बैठ के अपना समय भी दो। नॉट दैट यू आर वर्कहोलिक एंड लगे हो रात दिन काम करने में, दैट मीन्स यू आर नॉट प्लान योर सेल्फ, प्लान योर डे, प्लान योर वर्क। देन आई सेट टू पॉइंट्स, कम्युनिकेशन एंड दैट लॉयल्टी फैक्टर, इट हैज़ टू बी देयर। एंड उसके बाद आई विल टेल द यूथ कि प्लीज़ आपकी आदतें अच्छी रखो, आप समय से हर चीज़ करो, समय से आप सो भी, समय से आप खाना भी खाओ, समय से आप काम भी करो, समय से आप मनोरंजन भी करो, एवरीथिंग यू डू, बट विथ कीप योर टाइम मैनेजमेंट करके करो, डोंट यू नो वेस्ट टाइम। और इसके बाद है कि डोंट, यस, सम अमाउंट ऑफ चेंज इन आर प्रेजेंट पर्सपेक्टिव इज ऑलवेज बेटर, बट आप सारा ही चेंज करना चाहते हो, वेस्टर्न कल्चर ला के, मतलब आज ही सब कुछ, इट विल नॉट, इट विल हैपन, होगा धीरे धीरे होगा, सब काम हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, एंड उनका भी भावना का ध्यान रखो। तीज त्यौहार मैं अपने
घर वालों के साथ बैठो, एक गांव में ही जाओ, बच्चों को ले जाओ, सो दैट दे ऑल्सो सी व्हाट इज आवर कल्चर, बिकॉज आज हिंदुस्तान किस चीज़ के ले जाएंगे, आज हिंदुस्तान हमारे कल्चर ट्रेडिशंस, ठीक है ना, आपका जो सारी आज हमारे इतने फेस्टिवल्स कभी नहीं होते, हर 15 किलोमीटर बाद एक लैंग्वेज चेंज हो जाती है, स्टिल वी आर यूनाइटेड, इट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच एवरी कंट्रीज डज नॉट हैव। इतने सारे मौसम, 4 ऋतु होती है हमारे, इंग्लैंड में क्या होती है, 10 महीने तो वहाँ ठंडी पड़ती है। सो जो ये चीज़ हमें दी है, प्रकृति ने दी है, बहुत अच्छी चीज़ दी है, सर्दी गर्मी तो वसंत सब दिया, इसका आप लुत्फ़ उठाइए, उसका आप काम उसमें आप रहिए। ऐसे ही अपने देश में अगर आप देखो तो हर तरह का, मतलब कि जलवायु या जिसको बोलते हैं टेरेन इंग्लिश में बोलते हैं, कि जो यहाँ हिमालय की चोटियों से लेके सियाचिन से लेके आपके बर्फ़ से ढके पहाड़ से लेके पेड़ों से ढके पहाड़, नंगे पहाड़ लेह लद्दाख में, जंगल, नदियाँ, समुंदर, कोस्टल एरियाज, प्लेन एरियाज, ठीक है, रेगिस्तान, हमारे पास हर तरह का टेरेन है इंडिया में। सो ये जो भूमि है, ये शुरू से ही बोला गया है कि एक ऐसी भूमि भारतवर्ष है जो कि मतलब कि पहले भी एक नंबर वन थी, आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है, आई थिंक वी शुड बी डूइंग बेस्ट, बट एज ए यूथ आज के दिन हम 28% पॉपुलेशन है इंडिया की, तो वी हैव गॉट अ यू नो, आज आप दुनिया अपनी तरफ देख रही है, यूथ की तरफ देख रही है, एंड दैट यूथ हैज़ टू बी फोकस गाइडेड एंड दे शुड मूव इन अ राइट डायरेक्शन, देन ओनली कंट्री विल मूव। सो एक परिवार में अगर एक बच्चा अच्छा निकल जाता है, परिवार मतलब पेरेंट्स को भी और परिवार उस पर नाच करता है, ठीक है ना, आप जो एक जना जो उड़ जाता है, मतलब जो अच्छा कर लेता है, वो फिर अपना पूरा परिवार ही ठीक कर लेता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि फिर आपको एक सुकून मिलता है, खुद को ही मिलता है और पेरेंट्स को मिलता है, और ये बुढ़ापे में हमें, आज मैं इस उम्र में आगे आई विल बी ओल्ड मैन, व्हाट पीपल विल आस्क मी, दे विल आस्क नॉट आस्क मी ऑल दीज थिंग्स, दे विल आस्क मी टू थिंग्स, हाउ योर हेल्थ, व्हाट योर चिल्ड्रंस आर डूइंग, दो ही चीज़ पूछते हैं। ये प्राउडली आई से माई हेल्थ इज़ गुड, आई एम नॉट, मैं बच्चों में बाहर नहीं हूँ, और बच्चे मेरे अच्छा कर रहे हैं, दे आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग एंड डूइंग वेर एवर दे आर, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। सो इस लाइन पे हमें चलना है, पेरेंट्स को भी ऐसे ही चलना है और बच्चों को भी चलना है, एक तालमेल चलना है, वी शुड नॉट बी बर्डन टू आर चिल्ड्रंस, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो नहीं तो हॉस्पिटल में बैठे रहेंगे, और बच्चे भी अपने रास्ते पे चले, रास्ते पे चले, अच्छा काम करें, आगे बढ़े, तो इट एम्प्लाइज टू एंटायर यूथ एंड एंटायर दिस थिंग। तो इन प्रिंसिपल्स पर आप चलेंगे और तो कभी गलत नहीं चल सकते, प्रोग्रेसिव माइंड रखो और पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, लोगों से मिलो, इवन अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक लेट्स से देज ए कैटल, एक गाय है, एक गाय होती है, उसको आप बांध देते हो, उसको जो डाल देते हो पानी चारा खा लेती है, एक है कि आप खुली छोड़ देते हो तो अपने पसंद का खाती है, पसंद का पीती है, उसकी एक्सरसाइज भी होती है चलते फिरते, एंड वो दूसरे अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के वापस आ जाती है, एंड दैट कैटल विल गिव गुड मिल्क, ठीक है ना, एंड हैप्पी। सेम वे अगर अपने भी सोसाइटी में, वी आर ए सोशल एनिमल, आप लोग भी अगर आप जाओगे, करोगे, घूमोगे, अच्छा काम करोगे एंड अच्छे लोगों से मिलोगे आप अपना, तो लोगों के साथ बैठ पाओगे, अगर काम ही खराब हो रहा कोई बैठाएगा ही नहीं, नोबडी मतलब कि अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। सो अच्छी सोसाइटी, अच्छे काम करने से आपका नाम होता है, नाम होने से आपको अपने आप ही लोग साथ रखेंगे आप, दैट इज़ माई मैसेज टू द यूथ। थैंक यू, सेम ईयर बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।